अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? तो अब हमारा है उर्दू टाइम, उर्दू का वक्त हो गया है। और आज हम पता है क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं भाई बहुत मज़े की एक नज़्म, ये वाली नज़्म। देखिए इस पे क्या लिखा है, सोचो समझो। और ये जो नज़्म है ना, इसको बोलते हैं हम्द। हम्द क्या होता है? हम्द होता है वो चीज़ जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो, अल्लाह के बारे में अच्छी अच्छी बातें की जाएं। तो जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ की जाए उसको कहते हैं हम्द। अच्छा, अब ये जो हम्द है तो इसको मैं गाऊंगा, ठीक है, और आप एक दफ़ा उसको सुनेंगे और फिर दूसरी दफ़ा मेरे साथ गाएंगे, ठीक है। एक दफ़ा मुझे सुनेंगे, एक दफ़ा मेरे साथ गाएंगे। तो रेडी है? चलिए, बहुत मज़े किए हैं। आओ बच्चों मिलकर बैठो, सोचो समझो और फिर बोलो। चले बाप मेरे साथ। आओ बच्चों मिलकर बैठो, सोचो समझो और फिर बोलो। किसने है ये फूल सजाए, कौन है जो हरियाली लाए। मेरे साथ। किसने है ये फूल सजाए, कौन है जो हरियाली लाए। फलक को किसने है ताना, फलक कहते हैं आसमान को जिसमें चांद है और सुबह में सूरज होता है, रात में सितारे भी होते हैं, इसको कहते हैं आसमान को फलक। और ताना का मतलब खड़ा किया, बुना, बनाया, जैसे ये नज़र आ रहा है इतना बड़ा सा। फलक को किसने है ताना, कौन भला है इतना दाना। चले आप भी मेरे साथ। फलक को किसने है ताना, कौन भला है इतना दाना। नन्नी मुन्नी सी ये चींटी, नन्नी मुन्नी सी ये चींटी, बड़े बड़े से हैं ये हाथी। चले मेरे साथ। नन्नी मुन्नी सी ये चींटी, बड़े बड़े से हैं ये हाथी। कौन है जो उन सब को खिलाए, जंगल है ये किसने बसाए। कौन है जो इन सब को खिलाए, जंगल है ये किसने बनाए। चांद सूरज और ये तारे, किसके हुक्म से रोशन सारे। चांद सूरज और ये तारे, किसके हुक्म से रोशन सारे। जो चलाए जग का निजाम, भूजो क्या है उसका नाम। जो चलाए जग का निज़ाम, जग कहते हैं पूरी दुनिया को, ज़मीन आसमान लोग जानवर बारिश समुंदर दरिया सूरज, ये सब को कौन चला रहा है, कौन खिला रहा है, किसके कंट्रोल में है ये सब। जो चलाए जग का निज़ाम,
बूझो क्या है उसका नाम। तो आप उनका नाम बता सकते हैं जो ये पूरा निजाम चला रहे हैं, उनका क्या नाम है बताएं? गुड, उनका नाम है अल्लाह। ये सब अल्लाह चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? अल्लाह, अल्लाह चला रहे हैं। तो ये एक तरह की पहेली है। पहेली पता है आपको क्या होती है? जिसमें आपको कुछ बताया जाता है, कुछ चीज़ें बताई जाती हैं किसी के बारे में, फिर आपने बूझना होता है, अंदाज़ा लगाना होता है कि ये किसकी बात हो रही है। तो ये जो पूरी हम थी, इसमें अल्लाह के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं आपको, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि ये किसकी बात हो रही है। तो आपने तो अंदाज़ा लगा लिया कि ये अल्लाह की बात हो रही है। वेरी गुड, शाबाश। तो अल्लाह ताला हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, हमें खाना देते हैं, हमें ज़िंदा रखते हैं, हमारे घर है, हमारे अम्मी अब्बू, ये सब आपको अल्लाह ने दिए हैं, शाबाश। सुबह सूरज निकलता है, अल्लाह लेके आते हैं। रात को चांद निकलता है, वो भी अल्लाह लेके आते हैं। जो आप खाना खाते हैं ना, वो भी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आप उन्होंने आपके मामा बाबा को पैसे दिए हैं कि वो आपके लिए खाना लेके आ सके, शाबाश। तो अब आपने ये नज़्म दोबारा सुननी है, और फिर एक बार सुननी है, और फिर एक बार सुननी है, और सुन के आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और सबसे पहले अपने घर वालों को सुनानी है। ठीक है, सबसे पहले अपने घर वालों को सुनाइएगा, उसके बाद कोशिश कीजिए कि इसको रिकॉर्ड करके आप अपनी टीचर को भेज दें, टीचर को सुनाएं। ठीक है, जब आप अपने टीचर को सुना लें, फिर आपकी टीचर आपको कॉल करेंगी। तो आपने कॉल पे अपनी टीचर को यही नज़म सुनानी है। कितनी खुश होंगी ना आपकी टीचर जब आप ये हम्द अपनी टीचर को सुनाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा भाई उनको। तो रेडी हैं फिर आप? चलिए अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।